हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई थी और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और साथ ही साथ फ्रांस की एक परंपरा को फॉलो करते हुए इस असेंबली के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट भी बना दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्शन के बेस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। साथ ही साथ HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई क्यों गई थी? ताकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स अभी सेटल हो ही रहे थे कि 13 दिसंबर 1946 को, यानी पहली मीटिंग के 4 ही दिन के बाद, जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट कर दिया। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली नेहरू जी का देश के लिए विजन था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसके फंडामेंटल्स कैसे होने चाहिए, फिलॉसफी क्या होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की फॉर्म में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हाई लेवल विजन तैयार किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने आज़ाद भारत के टेरिटोरियल एरिया को भी डिफाइन किया था। इन्होंने कहा था कि इंडिया जो है वो स्टेट्स का यूनियन बनेगा, ऐसे स्टेट्स जो अभी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हैं और वो स्टेट्स जो अभी प्रिंसली स्टेट्स हैं और इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक बनाने की बात की थी और बताया था कि आज़ाद भारत में इंडिया के लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, बिना किसी भेदभाव के सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, साथ ही साथ सभी आज़ाद होंगे और अपने धर्मों को फॉलो कर सकेंगे। इतना ही नहीं, बैकवर्ड, डिप्रेस क्लासेस और ट्राइबल्स को एडुकेट सेफगार्ड्स दिए जाएंगे ताकि वो समाज में बराबरी पर आ सकें। सेफगार्ड से यहाँ पर मतलब है कि बैकवर्ड और डिप्रेस क्लासेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। 22 जनवरी 1947 को सभी ने एक मत से इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया, यानी सभी का मानना था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसी विजन के साथ बनना चाहिए। इसके बाद एक के बाद एक कई सारे प्रिंसली स्टेट्स ने अपने कैंडिडेट्स को धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नॉमिनेट करना शुरू कर दिया। और वहाँ दूसरी तरफ ब्रिटेन में सरकार बदल गई थी। नई सरकार के प्राइम मिनिस्टर क्लिमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में ये डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिशर्स अब जो है 3 जून 1948 से पहले पहले इंडियन पॉलिटिशियंस को पावर ट्रांसफ़र करेंगे और इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। इसी के साथ साथ इंडिया में वाइसरॉय भी चेंज कर दिए गए और अब नए वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक प्लान प्रपोज किया जिसका नाम था माउंटबेटन प्लान। इस प्लान में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के पार्टीशन को एक्सेप्ट करके 2 नई कंट्रीज़ बनाने का डिसीज़न लिया था। ये 2 नई कंट्रीज़ थी, इंडिया और पाकिस्तान। पार्टीशन की डेट तय की गई थी 15 अगस्त 1947। इसके बाद जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पास कर दिया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की वजह से अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक फुल्ली सॉवरेन बॉडी बन गई थी। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब पूरी तरह से आज़ाद थी कि वो जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहे बना सकती है। बट इंडिया के आज़ाद होने के साथ साथ पार्टीशन भी हो गया था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ जो पहले 389 थी वो घटकर 299 रह गई, क्योंकि काफ़ी सारी प्रोविंसेस अब इंडिया का पार्ट नहीं थी, तो ऑब्वियसली अब उनकी सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कम हो गई थी। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के साथ साथ एक एडिशनल फंक्शन दिया गया था, और वो ये कि अब उनको लेजिस्लेटिव फंक्शन भी करना था। यानी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब ऑर्डिनरी लॉज को बना और इम्प्लीमेंट भी कर सकती थी। इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इंडिया की पहली पार्लियामेंट भी कहा जाता है। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का काम कर रही होती थी तो प्रेसिडेंट होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने लेजिस्लेटिव फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती थी तो चेयरमैन होते थे GV मावलानकर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये दोनों फंक्शंस 26 नवंबर 1949 तक चले और फिर 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के अलावा और भी कई सारे काम किए, जैसे 22 जुलाई 1947 को इन्होंने नेशनल फ्लैग कैसा होना चाहिए ये डिसाइड किया, देश का नेशनल फ्लैग तिरंगा चुन लिया गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को भी चुन लिया गया। साथ ही साथ उसी दिन देश के पहले प्रेसिडेंट भी चुन लिए गए,
पहले प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अराउंड 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, ताकि सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल सकें। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इस काम में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और इस काम में टोटल खर्चा आया 60 लाख का। ये मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो था। पार्ट 2 में हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर देंगे। वहाँ हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सभी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ और B.R. अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में क्या रोल था ये सब देखेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी कवर करेंगे। बुक्स तवा चैनल पर हिस्ट्री और पॉलिटी के बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए बुक्स तवा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स तवा।